माने राजू भैया सौभाग्य इस कार्यक्रम में आए हैं राजू बावरा जी, थोड़ी देर जरूर सुनेंगे, हम लोगों का भी टूटा फूटा गीत सुन लीजिए। के और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छिपा रखा है, तो चीर के देखो दिल मेरा, तो चीर के देखो दिल मेरा, तो ये तेरा ही नाम लिखा मिलते हैं। आप सत्य मानिए इतनी भीड़ शुरुआत में नहीं होती कहीं कहीं, अभी तो कार्यक्रम विराम हो रहा है फिर भी आप लोग बैठे हैं, पता नहीं कोई काम धाम है आपको कि नहीं। हेलो हेलो, फिर भी जनता को प्रणाम करें। भैया इसको बढ़ा दो थोड़ा सा मेरे भाई, हेलो, अंतिम चरण है, ये सारे माइक थोड़े थोड़े बढ़ा दीजिए, सीटी नहीं वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हर वीर भारत माता का हर लाल यही कहता है भारत माता से कि हे माँ, तेरे आंचल में जन्म मिला है, तेरे आंचल में ही मरना है मुझे। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी में लाख सितम लिख दे, मेरी जिंदगी में लाख सितम लिख दे, ले ले हमारी खुशियाँ हमारे लिए गम लिख दे, और दे दे वतन पे मिटने का बस एक ही मौका, दे दे वतन पे मिटने का बस एक ही मौका, और लहू के कतरे कतरे पर बस वंदे मातरम लिख दे, वंदे मातरम लिख दे। लेकिन जब लिखने की बारी आई, जब लिखने की बात आई तो मैंने प्रयास किया, मेरे पूजनीय गुरुवर ने प्रयास किया कि आखिर कहां कहां क्या लिखा रखा है। लिखा कुछ भी नहीं, लेकिन आपको लगेगा कि यहां लिखा रखा है, और देखिए क्या लिखा रखा है। कैसी सीमा पर पे जय जवान लिखा रखा है, के सीमा पर बंदूक चले जो उस पे जय जवान लिखा रखा है, और जिस हल से उपजी हो खेती, जिस हल से उपजी खेती, उस पे जय जवान लिखा रखा। उस पे जय किसान लिखा रखा, अब गीत को सुनिएगा। सीमा पर बंदूक चले जो उस पर जय जवान लिखा रखा है, और जिस हल से उपजी हो खेती उस पे जय किसान लिखा रखा है, लिखा रखा है। कैसे? जिस समय महाराणा प्रताप जंगलों में भाग रहे हैं,
जंगल में शरण लेते हैं अपने परिवार के साथ, बच्चे भी हैं उनके, एक बेटा है एक बिटिया है। बेटा छोटा है, बिटिया थोड़ी समझदार है। माँ ने घास की रोटी बनाई और दोनों बच्चों को आधी आधी दे दी, बहन भाई को आधी आधी दे दी। लेकिन तभी अचानक एक ऊंट बिलार आया और उसके भाई से वो आधी रोटी घास की छीन कर भाग गया। तो उस बहन को देखिए उसने क्या कहा। उसने अपने हिस्से की रोटी अपने भैया के पास बढ़ा दी और कहा, है भैया ना भोले भाले हैं, हम लोग ना भोले भाले हैं ना मन के काले हैं, प्रताप वंश के हैं, प्रताप वाले हैं, के प्रताप वंश के हैं, प्रताप वाले हैं। और है भैया लड़ते लड़ते मर जाएंगे पर जान ना देंगे शान, अरे जान ना देंगे आन। तो अब देखिए उस बहन ने कहा कि अब क्या लिखा रखा है कि घास की उस आधी रोटी पर, घास की उस आधी पर अटल स्वाभिमान लिखा रखा है, तो सीमा पर बंदूक चले जो उस पे जय जवान लिखा पंक्ति, जो कि इस दादा के गीत को दादा बहुत अच्छा गाते थे। कुछ गीत कुछ लोगों के लिए ही बने होते हैं, दादा जैसा तो नहीं, भैया ने गाए तो मैं प्रयास कर रही हूँ। और ये गीत मेरे पास लिखा भी नहीं था, तो भैया ने, गुरुजी के सुपुत्र ने अभी लिख कर दिया है, तो मैं आपकी फरमाइश पूरा करने के लिए इसको गा दे रही हूँ। बात है उस समय की, उत्तर प्रदेश के उन्नाव की गलियों में एक छोटा सा बालक जिसकी उम्र है 15 वर्ष, 15 साल का लड़का एक झंडा लेकर चिल्ला रहा है, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जब अंग्रेजों ने उसको पकड़ लिया तो अंग्रेजों के सरदार ने कहा इसको कोड़े मारे जाएं, इसको कोड़े मारे जाएं। पूछा, तेरा नाम क्या है, कहाँ रहता है? तो देखिए उस बच्चे ने कहा क्या, क्या कहा? ना मैं डरने वाला, कहा तेरी माँ का क्या नाम है? तो उसने कहा आजादी। अंग्रेजों ने उससे नाम पूछा, तेरा क्या नाम है? तो कहा आजाद। तो उस बच्चे ने कहा, ना मैं डरने वाला ना मुकरने वाला, और याद रखना अंग्रेजों के सैकड़ों को मारूंगा तब मैं मरने वाला, के सैकड़ों को मारूंगा तब मैं मरने वाला। और बार बार उसने कहा, सुनो अब क्या लिखा रखा है और आपका आशीर्वाद चाहूंगी। उसने कहा, अगर जानना चाहते हो तो चीर के सीने